अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है वो इकोनॉमिक्स थर्ड ईयर का तलब के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा तलब। तो तलब में जो है हम तलब का तआरुफ करेंगे, इसकी जो है वो तारीफ करेंगे, इसका जो है इसके बारे में जो है वो इसके तसव्वुरात के बारे में डिस्कस करेंगे, कानून तलब के बारे में डिस्कस करेंगे, एक फ़र्द का गोशवारा तलब डिस्कस करेंगे, एक मंडी का गोशवारा तलब डिस्कस करेंगे और इसी तरह जो है इसके मफ़ूज़ात वगैरह जो है वो पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। तो चलें जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हमारा टॉपिक है डिमांड, तलब। तलब क्या होती है? आम बोलचाल से मुराद आप क्या लेते हो तलब को? कि तलब में हम कहते हैं कि मुझे फलां चीज़ की तलब है, मुझे फलां चीज़ की तलब है, यानी तलब से मुराद लेते हो किसी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश, तमन्ना या आरजू। आम बोलचाल में आप किसी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश, तमन्ना या आरजू जो है वो तलब के मानों में लेते हैं। लेकिन किसी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश, तमन्ना या आरजू ये तलब नहीं होती, बल्कि तलब के लिए जो है वो दो बातों का होना जरूरी है। वो कौन सी दो बातें हैं? कि वो विल टू परचेज एंड पावर टू परचेज, शय को हासिल करने का इरादा और शय को हासिल करने की कुव्वत। जब ये दोनों मिलेगी तो फिर तलब। तो डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के तालिब इल्म के लिए ये जानना ज़रूरी है कि तलब जो है वो किसी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश, तमन्ना या आरजू का नाम नहीं है, बल्कि तलब के लिए कितनी बातें होनी चाहिए? दो। कौन सी? विल टू परचेज एंड पावर टू परचेज। जी, ये इसका तारीफ है इसका, कि एक विल टू परचेज और दूसरी है पावर टू परचेज। अगर इरादा भी होगा, कुव्वत भी होगी तो फिर तलब होगी। सपोज दैट मैंने जो है वो गाड़ी लेनी है, इसका मतलब है कि मेरा इरादा है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास जो है वो 10 लाख रुपया नहीं है कि मैं गाड़ी ले सकूं, तो इसका मतलब है गाड़ी की तलब नहीं होगी। या यूँ कह लो कि अगर जो है वो मेरे पास पैसे तो हैं, 10 लाख रुपये हैं, लेकिन मैं गाड़ी लेना ही नहीं चाहता, तो तब भी गाड़ी की तलब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरा इरादा नहीं है। तो इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए, इरादा भी होना चाहिए और कुव्वत भी होनी चाहिए, आपके पास रकम होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, तो फिर जो है वो तलब होगी। तो किसी भी चीज़ की तलब का जिक्र जो है वो उसकी कीमत के बगैर नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ हमें मुफ्त में नहीं मिलती। तो क्वान्टिटी ऑफ डिमांड जो है, जो तलब है, इसको डिमांड कहते हैं। क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है ये कीमत का प्रोफाइल है, इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी कि तलब का कीमत के साथ ताल्लुक है। कीमत बढ़ेगी तो तलब जो है वो गिर जाएगी, कीमत गिरेगी तो तलब में इजाफा हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसका जो है वो तारफ, के तलब का जो है वो तारफ क्या है। पहला पॉइंट क्या आ गया? इंट्रोडक्शन, तारफ। दूसरे नंबर पे हम इसकी तारीफ पढ़ते हैं कि इसकी तारीफ क्या है। प्रोफेसर बेलहम कहता है कि किसी शय की वो मिकदार जिसे सार्फिन एक खास अरसे वक्त में एक खास कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं, क्या कहलाती है? तलब कहलाती है। यानी किसी शय की वो मिकदार जिसे सार्फिन एक खास अरसे वक्त में एक खास कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं, क्या कहलाती है? तलब कहलाती है। यानी खास अरसे वक्त क्या है? कि मार्केट खुली हुई। खास कीमत क्या है? कि उसकी जो मौजूदा कीमत है। फर्ज करो ये मार्केट है, इसकी मौजूदा कीमत है 40 रुपये और ये उसकी खास कीमत होगी। खास वक्त क्या है? कि जब मार्केट खुली है, जब जो है वो
शॉप खुली है तो तब जाके मैं इसको खरीदूंगा, और जब नहीं खुली तो इसका मतलब है इसकी डिमांड नहीं होगी। और अगर मार्केट खुली है तो वहाँ पे जाके अगर मैं कहूँ कि मुझे ये 20 रुपये की दे दें तो मुझे पेंसिल या ये मार्केट जो है वो नहीं देंगे, या वो मुझसे 100 रुपये मांग लें तो मैं उसे नहीं लूँगा। तो इसका मतलब है कि इसके लिए, इसकी ख़रीदारी के लिए, इसकी डिमांड के लिए ज़रूरी है कि इसकी जो है वो ख़ास कीमत हो। पहला पॉइंट ये तो इसकी तारीफ क्या कहती है प्रोफेसर बैनम की, कि किसी शेयर की वो मकदार जिसे सार्फिन एक ख़ास अर्सा वक्त में एक ख़ास कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं, क्या कहलाती है, गलत कहलाती है। तो तारीफ के बाद जो है इसके मुख्तलिफ तसव्वुरात के बारे में पढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट है इसके तसव्वुरात, तलब के तसव्वुरात क्या हैं। तो इसका पहला तसव्वुर जो है वो है माखज़ तलब, माखज़ तलब। बाज़ अशिया ऐसी होती हैं जिनकी तलब जो है वो डायरेक्ट नहीं होती, बल्कि उसको किसी दूसरी की वजह से अखज़ किया जाता है, उसकी तलब जो है माखज़ होती है, ड्राइड होती है। जैसे जो है मकान बनाने के लिए बुनियादी चीज़ क्या चाहिए, ईंट, तो ईंट की तरफ क्या होगी, बराह रास्त ईंट की तरफ क्या होगी, डायरेक्ट बराह रास्त। लेकिन ईंट से मकान नहीं बन सकता, मकान बनाने के लिए जो है वो ईंट के अलावा सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, बजरी चाहिए, और भी बहुत सारे इंग्रीडियंट्स हैं। तो ये जो सीमेंट है, सरिया है, बजरी है, इसकी तरफ जो है वो माखज़ तरफ के अलावा। इसी तरह जो है वो दूसरा पॉइंट है मुश्तरक तलब, दूसरा सवाल क्या है, मुश्तरक तलब। तो बाज़ अशिया की तलब जो है वो मुश्तरक होती है, बाज़ अशिया की तलब मुश्तरक होती है। यानी जैसे क्रिकेट खेलनी है तो गेंद के साथ जो है वो बैट का होना ज़रूरी है, अकेली जो है वो गेंद उससे आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, इस तरह अकेला बैट जो है वो भी क्रिकेट खेलने के लिए मुफीद नहीं है। तो गेंद और बैट दोनों की तलब क्या होगी, मुश्तरक तलब। यानी जब भी हमने क्रिकेट के लिए डिमांड करना है तो गेंद और बैट दोनों को करना है। इसी तरह जो है वो गाड़ी है तो गाड़ी के साथ जो है वो पेट्रोल की तलब जो है वो मुश्तरक तलब होगी, अकेली गाड़ी जो है वो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँचाएगी जब तक कि उसमें पेट्रोल ना हो। अब इसी तरह जो है वो ये लिख रहा हूँ, ये मार्कर है मेरे पास, अगर इसमें स्याही होगी तो मार्कर चलेगी, अगर स्याही नहीं होगी तो मार्कर नहीं चलेगी। तो स्याही और मार्कर दोनों की तलब क्या होगी, ये मुश्तरक तलब, इसको जो है वो इकट्ठा करेंगे तो फिर जो है वो डिमांड पैदा होगी। और तीसरा जो हमारा तसव्वुर है वो मुरक्कब तलब, तीसरा है इसका मुरक्कब तलब। यानी मुरक्कब तलब जो है वो ऐसी तलब होती है जो कि जब किसी चीज़ की ज़रूरत जो है आप जब किसी चीज़ को जो है वो एक से ज़ायद मकासद के लिए यूज़ किया जाए, जब किसी शेयर को एक से ज़ायद मकासद के लिए यूज़ किया जाएगा तो उसकी तलब क्या होगी, मुरक्कब तलब होगी। जैसे जो बिजली है इसको घरेलू इस्तेमाल में भी लाते हैं, इसको कमर्शियल इस्तेमाल में भी लाते हैं, इसको जो है वो सनअती मकासद के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो बिजली की तलब क्या होगी, मुरक्कब तलब होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये थे तलब के मुख्तलिफ जो है वो तसव्वुरात। अब जो हम कानून तलब के बारे में पढ़ते हैं कि कानून तलब जो है वो क्या होता है। चौथा इसका पॉइंट, जो चौथा इस लेक्चर में हमने पढ़ना है वो कानून तलब। कानून तलब, लॉ ऑफ डिमांड जी। तो कानून तलब क्या है कि किसी भी शय की कीमत और तलब का जो रिश्ता है इसको बयान करने के लिए जो है वो कानून तलब बनाया है। इसकी जो है बेसिकली जो है जब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो इसको जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन, कानून तलब जो है वो किसी शय की वो मकदार, आपने तलब के बारे में पढ़ा था कि किसी शय की वो मकदार जिसे सार्फिन एक खास अरसा वक्त में एक खास कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। तो अब इसी का एक कानून है जिसको कानून तलब कहते हैं कि जब किसी शय की कीमत कम होती है तो उसकी तलब बढ़ जाती है, और कीमत के बढ़ जाने से उसकी तलब गिर जाती है। लेकिन जब भी किसी कानून की बात करेंगे तो सबसे पहले हम कहते हैं अदर थिंग्स मीनिंग द सेम,
दीगर हालात जो के तू रहे, हालात ना बदले, हालात पहले वाले रहे। अगर हालात बदल जाएंगे तो ये कानून जो है वो ठीक नहीं रहेगा, ये बातल हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। तो यह कानून क्या है कि दीगर हालात दस्तूर रहते हुए जब किसी शय की कीमत बढ़ती है तो उसकी तलब कम हो जाती है, इसी तरह जब किसी शय की कीमत कम होती है तो उसकी तलब में इजाफा हो जाता है। तो ये कानून है, इसको मैं यूँ एक्सप्लेन करूँगा, क्वान्टिटी ऑफ डिमांड, क्वान्टिटी ऑफ डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। क्वान्टिटी ऑफ डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, इफ प्राइसेस इंक्रीजेस देन क्वान्टिटी ऑफ डिमांड इज डिक्रीजेस। Similarly, you can say that if prices decreases, then quantity of demand is increases. So there is a negative relationship between quantity of demand and a price. So this is law of demand. This is कानून तलब। अब जो है हम कानून तलब में जो है हम दो तरह का जो है वो इसकी डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करेंगे, एक फर्द का गोशवारा तलब और एक मंडी का गोशवारा। तो पाँचवें नंबर पर जो है वो जो हमारा पॉइंट बनता है वो है फर्द का गोशवारा तलब के जरिए फर्द का गोशवारा तलब। एक फर्द का गोशवारा तलब क्या होगा, उसका गोशवारा कैसे बनाएंगे? तो एक बंदा जो है मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाता है तो उसका जो है वो रिएक्शन क्या होता है, उसको जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। एक फर्द का गोशवारा तलब में देखें तो एक तरफ जो है वो कीमत ले लें और अगली तरफ जो है वो तलब ले लें। सपोज दैट कोई भी चीज़ है उसकी कीमत जो है वो 6 रुपये है, कुछ है उसकी कीमत 6 रुपये है, उसकी तलब है जी 5। अब कीमत जो है वो 6 रुपये से गिर के 4 रुपये हो जाती है। जब कीमत गिरी है तो कानून तलब के मुताबिक तलब में क्या होगा, इजाफा होगा। तो तलब जो है वो 4 से बढ़ के 5 से बढ़ के 10 हो जाती है। इसी तरह कीमत जब 4 से गिर के 2 होती है तो तलब जो है वो 10 से बढ़ के कितनी हो जाती है, 15 हो जाती है। तो क्या देखा, कानून तलब में हमने देखा था कि जब किसी शेयर की कीमत गिरती है तो उसकी तलब में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें कि कीमत गिर रही है 6, 4, 2, तो तलब इसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है 5, 10 और 15। इसी गोशवारे को हम डायग्राम में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह डायग्राम में इसको कन्वर्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। वर्टिकल क्या है वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल क्या है एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हम जो है वो कीमत को लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम जो है वो तलब को डिमांड को लेते हैं। जी कीमत क्या है 6, 4, 2, तो यहाँ पे हम दो दो का फर्क ले लेते हैं, इसको दो कह लेते हैं, ये 4 और ये 6। इस तरह तलब जो है वो 5, 10, 15, ये 5 है, ये 10 है। देखें गोशवारे में देखेंगे जब कीमत 6 रुपये थी तो तलब 5 थी, कीमत कितनी है 6 तो तलब कितनी है 5। ये इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो हमें ये पॉइंट मिल गया। इसका नाम कोई भी रखते फर्स्ट मैं ए रख देता। अब कीमत जो है वो 6 रुपये से गिर के 4 रुपये हुई, 6 से गिर के कितनी हुई है 4। इसकी तलब जो है वो 5 से बढ़ के 10 हो गई, पहले 5 थी अब कितनी होती है 10। तो हमें जो ये बी पॉइंट मिला। अब जो है वो जब कीमत 4 रुपये से गिर के 2 रुपये हुई है तो इसकी तलब जो है वो 10 से बढ़ के 15 हो गई है। तो इसको देखें तो जब कीमत गिर के 4 से 2 हुई है तो इसकी तलब जो है वो 10 से बढ़ के कितनी होती है 15 हो गई। तो ये पॉइंट मिला, इसको हम सी कह लेते हैं, ए बी और सी तीनों को आपस में जो है वो मिला दें तो ये हमारे पास जो है डी डी डिमांड कर्व आ गया, खत्ते तलब आ गया, जो इस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि अगर कीमत जो है 6 रुपये से गिर के 4 होती है तो तलब 5 से बढ़ के कितनी हो जाती है 10, और अगर जो है वो कीमत 4 रुपये से गिरती है 2 रुपये होती है तो तलब जो है वो 10 से बढ़ के कितनी हो जाती है 15।
तो ये बेसिकली जो है वो कानून तलब में एक फर्द का गोशवारा तलब जो है हमने बनाया है। तो इसकी बात आप ऐसे ही करेंगे, ओ वाई पे जो है वो कीमत ली, ओ एक्स पे हमने तलब को लिया, कीमत और तलब को मिलाने से हमें ए बी और सी तीन पॉइंट मिले, जिनको मिलाने से डी डी डिमांड पर मिला, खत तलब मिला, जो ऊपर से नीचे पाया है, बाएँ से दाएँ तलब जो है वो गिर रहा है और मनफी रुझान रख रहा है। और आपने देखा था कि जब हमने कानून तलब की बात की थी तो ये इक्वेशन लिखी थी क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, कीमत अगर बढ़ती है तो तलब गिर जाती है, कीमत गिरती है तो तलब में इजाफा हो जाता है। देखिए कीमत गिर रही है, छः से चार हुई तो तलब पाँच से बढ़ के दस हो गई है, कीमत चार से दो हुई तो तलब दस से बढ़ के कितनी हो जाती है, पंद्रह हो जाती है। तो ये इक्वेशन के मुताबिक जो है ये अभी हमने जो है फर्द का गोशवारा तलब जो है वो बनाया है। अभी हम जो है वो इसका अगला पॉइंट जो है वो पाँचवा पॉइंट पढ़ते हैं, वो है एक मंडी का गोशवारा तलब। ये तो अभी आपने बनाया कि स्टूडेंट के एक फर्द का गोशवारा तलब जो है वो क्या होगा। अब एक मंडी का गोशवारा तलब जो है वो डिस्कस करते हैं कि एक मंडी का गोशवारा तलब जो है वो कैसे बनता है। तो एक मंडी का गोशवारा तलब बनाने के लिए जो है वो हमें एक से ज़ायद अफराद की ज़रूरत पड़ेगी। मंडी का गोशवारा तलब छठा पॉइंट है, मंडी का गोशवारा तलब। कि मंडी का गोशवारा तलब कैसे बनता है, बाजार का गोशवारा तलब कैसे बनता है। आप जानते हैं कि मंडी में जो है वो देयर आर सो मेनी बायर और सेलर्स इन अ मार्केट, मार्केट में बहुत सारे जो खरीदार होते हैं, बहुत सारे जो है बेचने वाले होते हैं। तो जब मंडी का गोशवारा तलब बनाएंगे तो वो कुछ यूँ इसका शेड्यूल बनेगा, एक तरफ कीमत ले लें, वही जो मैंने पिछली ली है छः चार और दो वही वाली ले लेंगे। अब आगे जो है वो मंडी का चूँकि बन रहा है तो मंडी में बहुत सारे ज़्यादा सार्फिन होते हैं, तो मैं फर्स्ट करता हूँ पहले जो ए सार्फ की तरफ ले लेते हैं, ए सार्फ की तरफ, उसके बाद जो है बी सार्फ है, बी सार्फ की, उसके बाद सी सार्फ ले लेते हैं, सी सार्फ की, उसके बाद मंडी की मजबूरी तरफ हो जाएगी, मंडी की मजबूरी। मैं फर्ज करता हूँ कि मंडी में तीन सार्फ हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी। आगे मंडी की तलब देखते हैं, तीनों सार्फ जो है वो मंडी की मजबूरी तलब कितनी बनाते हैं। कि जब कीमत छः रुपये आती है तो ए सार्फ फर्ज करो एक चीज खरीदता है, अब बी सार्फ जो है वो जब कीमत छः है तो वो दो खरीद लेता है, सी सार्फ फर्ज करो तीन खरीद लेता है। तो मंडी की तलब कितनी होगी, एक दो और तीन, तीनों को जमा कर लो, एक और दो तीन, तीन और तीन छः, इसका मतलब मंडी की तलब कितनी होगी छः। अब इसी तरह जो है वो जब कीमत जो है वो छः रुपये से गिर के चार रुपये हुई है तो ए सार्फ जो है वो पहले एक लेता था, अब दो लेना शुरू कर दिया, बी सार्फ पहले दो लेता था उसने तीन शुरू कर दिया, अब सी सार्फ पहले जो है वो तीन लेता था वो जो है वो उसने चार शुरू कर दिया। तो दो और तीन पाँच, पाँच और चार नौ, इसका मतलब है मंडी की तलब जो है वो छः से बढ़ के कितनी हो गई है नौ हो गई है। क्यों बढ़ी है मंडी की तलब, क्योंकि शह की कीमत गिर गई है, छः रुपये से गिर के कितनी हो गई है चार रुपये हो गई है। इसी तरह जो है अगर कीमत जो है वो चार रुपये से गिर के बीस रुपये होती है तो ये सारे सार्फिन जो है वो शह की डिमांड में इजाफा कर देंगे, तलब में इजाफा कर देंगे। जैसे जो है ये दो से कड़ाके कितनी कर देता है तीन, ये तीन से कड़ाके कितनी कर देता है चार, ये चार से कड़ाके कितनी कर देता है पाँच। तो मंडी की कितनी तलब होगी, तीन और चार सात, सात और पाँच बारह। तो ये एक मंडी का जो है वो गोशवारा बन गया, मंडी की तलब का जो है वो गोशवारा बन गया। अब जो है इसका हम डायग्राम जो है वो तैयार करते हैं कि डायग्राम जो है वो कैसा बनेगा। तो देखिए जी यहाँ पे जो है वो कीमत पे लें, कीमत आपके पास पहले थी दो चार और छः, इधर जो है वो तलब ले लें, ये फर्ज करो तीन है, ये जो है वो छः है, ये जो है वो नौ है और ये कितनी है बारह। जब जो है वो कीमत छः रुपये थी तो मंडी की तलब कितनी बनी थी छः, कीमत छः पे मंडी की बनी थी तलब कितनी थी छः,
की में इसके 4 रुपए हुई, 6 से 4 हुई, तो मंडी की बिक्री तो 6 से बढ़ के 9 हुई, 6 से बढ़ के 9 हुई है, हमें ये पॉइंट मिल गया। अभी अब जब कीमत 4 रुपए से करके 2 रुपए हुई है, तो मंडी की बिक्री तरफ जो है वो 9 से बढ़ के 12 हो गई है, कीमत ये 4 रुपए से 2 हुई, मंडी की तरफ जो है कितनी बन गई 12, ये सी पॉइंट मिल गया। तो ये ए बी और सी तीनों पॉइंट्स को मिलाएं तो ये डीजी डिमांड का फर्क बन गया, ये मंडी का फतेह कलर बन गया, मंडी का फतेह कलर। तो बिल्कुल उसी तरह फर्क के फतेह कलर की तरह ही है, लेकिन इसमें जो है वो एक से जायद सार्फिन है, इसमें ए बी सी तीन तरह के जो है वो सार्फिन है। आगे जो हम इसके मफरूजात पढ़ते हैं, इसके मफरूजात जो है वो क्या क्या है, कानून कलम के मफरूजात हैं। कानून तरफ के मफरूजात, अजम्पशंस क्या हैं, मफरूजात क्या हैं, किन किन मफरूजात के अंदर रहते हुए जो ये कानून ठीक है, अगर इन मफरूजात से हटेंगे तो फिर ये कानून बिल्कुल बातल हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फिर ये कानून जो है वो ठीक नहीं रहेगा। तो वो कौन से मफरूजात हैं जिनके अंदर ये कानून ठीक है, ये कानून दुरुस्त साबित होता है। तो पहला पॉइंट है कि सार्फिन की आमदनी ना बदले, पहला पॉइंट क्या है, सार्फिन की आमदनी ना बदले। इस कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए ज़रूरी है कि सार्फिन की आमदनी में कोई तब्दीली ना आए, जितनी सार्फिन की आमदनी पहले थी उतनी ही बाद में रहे, उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग ना आए। अगर जो है वो सार्फिन की आमदनी बढ़ जाएगी तो फिर जो है वो कीमत बढ़ने के बावजूद तलब में कमी नहीं करेंगे। अगर सार्फिन की आमदनी बढ़ जाएगी तो कीमत चाहे जितनी मर्जी बढ़ जाए, सार्फिन शेयर की तलब में कमी नहीं करेंगे। इसका मतलब है ज़रूरी है कि सार्फिन की आमदनी में कोई तब्दीली ना आए, ना सार्फिन की आमदनी बढ़े ना सार्फिन की आमदनी गिरे, जितनी पहले है उतनी ही रहे, उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग ना आए। तो दूसरा पॉइंट ये है कि सार्फिन की पसंद, फैशन, रस्मोबाज में तब्दीली ना आए, सार्फिन की पसंद, फैशन और रस्मोबाज में, रस्मोबाज में तब्दीली ना आए। इस कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए ज़रूरी है कि सार्फिन की पसंद, फैशन, रस्म और रिवाज में किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है वो नहीं आनी चाहिए, यानी अगर सार्फिन की पसंद बदल जाएगी तो फिर ये कानून जो है वो ठीक नहीं रहेगा। अब ऐसे हैं कि कोई शेयर है उसकी कीमत गिर जाती है, लेकिन वो सार्फ को पसंद ही नहीं आती, तो इसका मतलब है उसके दर में इजाफा नहीं होगा। या कोई कपड़े हैं ओल्ड फैशन के कपड़े हैं, अब ओल्ड फैशन के कपड़ों की कीमत जो है वो जितनी मर्जी गिर जाए, लोग उसकी डिमांड में इजाफा नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन है। इसका मतलब है कि सार्फिन की पसंद, फैशन और रस्म और रिवाज में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। ऐसे भी है कि जब किसी चीज़ का की रस्म होती है ना, तो उस वक्त जो है वो कीमत की परवाह नहीं करते, जैसे शादी ब्याह पे आमतौर पर जो रस्म ही ना होती है, उस वक्त मेहंदी का रेट जितना मर्जी बढ़ जाए तो लोग जो है उसकी डिमांड ज़रूर करते, उसकी डिमांड में कमी नहीं करते। तो इसका मतलब है कि रस्म और रिवाज में भी किसी किस्म की तब्दीली ना आए, जिस चीज़ का रस्म या रिवाज होता है उसकी कीमत चाहे बढ़े या गिरे, लोग उसकी डिमांड में तब्दीली नहीं करते, उसको वो ज़रूर खरीदते हैं। तो ये दूसरा मफूजा था, इसका दूसरा अजम्पशन था कानून तलब का कि सार्फिन के पसंद, फैशन और रस्म और रिवाज में कोई तब्दीली ना आए। तो फिर तीसरा पॉइंट है सार्फिन की तादाद ना बदले, तीसरा मफूजा क्या है कि सार्फिन की तादाद ना बदले। इस कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए ज़रूरी है कि सार्फिन की तादाद में किसी किस्म की कोई तब्दीली ना आए, जितनी सार्फिन की तादाद पहले है उतनी ही बाद में रहे, उसमें किसी किस्म की भी कोई चेंजिंग ना आए। जैसे पहले हमने मंडी की गोशाला तलब में देखा कि 3 सार्फ हैं, एक ए सार्फ है, बी सार्फ है और सी सार्फ है, 3 किस्म के सार्फ हैं। तो अब सार्फिन की तादाद ना बदले, ये ना हो जाए कि 3 से बढ़ के 6 हो जाए सार्फिन,
अगर छः होंगे तो कीमत जो है वो चाहे बढ़ भी जाएगी तो लोग तलब मंडी की तलब काम नहीं होगी। तो ज़रूरी है कानून तलब में कि सार्फिन की तादाद में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए, जितनी सार्फिन की तादाद पहले है उतनी ही बाद में रहे, उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग ना आए जी। तो चौथा पॉइंट इससे बनता है वही है मुतबादल शियाती के इंतजाम, मुतबादल अशिया स्टूडेंट्स। इसके लिए ज़रूरी है कि मुतबादल अशिया की कीमत में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए, जितनी अशिया की कीमत जो है वो मुतबादल अशिया। अच्छा पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि मुतबादल अशिया क्या होती है। देखिए बात चीज़ें ऐसी होती है जो एक दूसरे के सब्सिट्यूट होती हैं जो मुतबादल होते हैं, जैसे जो है गंदम और चावल ये मुतबादल है, और इसी तरह जो है वो चाय और कॉफ़ी ये भी एक दूसरे के मुतबादल है। तो गंदम और क्या है चावल में भी मुतबादल है, चाय और काफ़ी भी मुतबादल है। जैसे फ़र्ज़ करो काफ़ी की कीमत में इजाफा हो जाता है, काफ़ी की कीमत में इजाफा होता है तो लोग काफ़ी की तरफ को कम कर देंगे, जबकि इसके मुतबादल क्या है चाय की तरफ इजाफा कर देंगे। अब अगर काफ़ी की कीमत में इजाफा हुआ है लेकिन साथ इसके मुतबादल क्या थी चाय की कीमत भी बढ़ जाती है तो फिर जो है वो डिमांड में तब्दीली नहीं आएगी, फिर कॉफ़ी पीने वाले जो है वो कॉफ़ी पिएंगे और चाय पीने वाले जो है वो चाय पिएंगे। अब इसी तरह जो है गंदम और चावल है कि अगर चावल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो लोग चावल की डिमांड को कम कर देंगे, इसके मुतबादल क्या है गंदम की डिमांड में इजाफा कर देंगे, गंदम ज़्यादा खाने लग जाएंगे। तो नाज़रीन ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि मुतबादल अशिया की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि गंदम और चावल जो है वो मुतबादल कैसे हो गए, हम तो खाते ही गंदम है चावल तो कभी कभी खाते हैं। उनका पॉइंट वैलिड है, हमारे रीजन में ऐसे ही है कि हम जो है वो गंदम ज़्यादा खाते हैं चावल कम खाते हैं, लेकिन दुनिया में अगर देखा जाए तो दुनिया में 51% लोग जो है वो चावल खाने वाले हैं और 48.2% लोग जो है वो गंदम खाने वाले हैं। तो आप इसकी तकरीबन जो है वो बराबर आप कह लें, बल्कि चावल खाने वाले ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है कि गंदम और चावल एक दूसरे के सब्सिट्यूट हैं, एक दूसरे के मुतबादल हैं। तो इसका उनको दूर साबित करने के लिए ज़रूरी है कि मुतबादल अशिया की कीमत में कोई तब्दीली ना आए, अगर मुतबादल अशिया की कीमत में तब्दीली आ जाएगी तो ये कानून जो है वो गलत साबित हो जाएगा। और अगला पॉइंट है इसका ज़र की कानूनी कदर ना सकता, ज़र की कानूनी कदर ना जी स्टूडेंट्स। इसका अगला मफूजा ये है कि ज़र की कानूनी कदर ना बढ़े, यानी डीवैल्यूएशन ऑफ मनी नहीं होनी चाहिए, ज़र की कानूनी कदर में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। जैसे ज़र की कानूनी कदर क्या है, देखें एक मुल्क की करेंसी का दूसरे मुल्क की करेंसी के साथ जब तबादला किया जाता है तो वो एक कदर के तौर पर जो तबादला किया जाता है। सपोज है पाकिस्तान में आज जो है एक 166 रुपये का एक डॉलर है, यानी अगर हमने अपनी करेंसी को डॉलर में एक्सचेंज करना है तो हमें 166 पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो देने पड़ेंगे और उसके बदले में हमें एक डॉलर मिलेगा। अगर जो है वो हुकूमत ज़र की कानूनी कदर में तब्दीली कर देती है, चाहे कमी करती है चाहे इजाफा करती है, तो फिर जो है वो कानूनी कदर जो है वो गलत साबित हो जाएगा। तो ज़र की कानूनी कदर में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए, ज़र की कानूनी कदर जो है जितनी पहले है उतनी ही बाद में रहे, अगर डॉलर पहले 150 का है तो फिर भी 150 का रहे, ऐसे ना हो कि डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ जाए या गिर जाए, अगर ऐसा होगा तो फिर यह कानून जो है वो गलत साबित हो जाएगा। फिर शय का नेम और बदल दरियाफ्त ना हो, चला पॉइंट क्या है चला मसूला क्या है कि शय का नेम और बदल दरियाफ्त ना हो। तो इसका रूल को दुरुस्त साबित करने के लिए ज़रूरी है कि शय का नेम और बदल दरियाफ्त ना हो, यानी ऐसा ना हो कि उसी तरह की कोई और चीज़ मार्केट में आ गई है। फर्ज करो ये मार्कर है जी पियानो की, ये 40 रुपीज़ है। अब इसी तरह जो है वो कोई और मार्कर आ जाती है वो 35 या 40 में मिल जाती है कोई और कंपनी की है, तो क्या करते हैं इसकी डिमांड में कमी आ जाएगी। ये जो पियानो है इसको लोग कुछ लोग इसको खरीदेंगे कुछ वो नई वाली को खरीदना शुरू कर देंगे, इसका मतलब है कीमत में तो कोई तब्दीली नहीं आई, 40 की ये है 40 की वो है, तो इसकी डिमांड जो है वो गिर गई है। क्यों? तो
क्योंकि शय का मुतबादल जो है वो आ गया है, इसका सब्सिट्यूट आ गया है, इसकी और इसी तरह की जो है कोई चीज़ आ गई है जो इस तरह जो है वो रेज़ लिखती है। तो इसका मतलब ये है कानून में, कानून कदर में, कि शय का निर्मल बदल व्याप्त ना हो, यानी जितनी चीज़ें पहले हैं उतनी बाद में रहें, उसके सब्सिट्यूट कोई चीज़ ना। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। इसमें जो है वो किसी किस्म की कोई चीज़ पसंद ना आई हो या समझ ना आई हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में जो है वो जरूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो सेटिस्फाई कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू वेरी मच।